हेल्दी फूड है उसका बेनिफिट तो है, लोगों को मोटा मोटा पता है कि उसका बेनिफिट क्या है, बट एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि हेल्दी फूड कुक कैसे करें। दूसरा, उनके पास टाइम भी नहीं है। इन लोगों तक अब आप पहुँचोगे कैसे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? बिकॉज अभी जो आपका करंट बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें तो क्या है कि आपने 13 वेंडर्स हैं 14 वेंडर्स हैं जो मोमो सेल करते हैं, उनको आप सप्लाई कर रहे हो, तो वो तो बड़ा आसान है क्योंकि वहाँ पे 13 लोग ही चाहिए। यहाँ पे आपको 13 लोग नहीं चाहिए, हज़ारों लोग चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे वो एक बार आ तो जाएंगे आपके पास में, लेकिन रेगुलर लेंगे या नहीं लेंगे वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। वो लोग जो अवेयर ही नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो उन तक आप पहुँचोगे कैसे? नंबर 1 जो चैलेंज आने वाला है, नंबर 2 आने वाला है डिलीवरी का चैलेंज, कि अगर आप कल को 1000 लोगों तक पहुँच भी गए तो उनको डिलीवर कैसे करोगे? उसके लिए बहुत बड़ा डिलीवरी नेटवर्क चाहिएगा आपको। आपका प्लान क्या है कि डू यू वांट टू मेक दिस बिजनेस, बिकॉज हर एक की अपनी एक विजन होती है, डू यू वांट टू मेक इट लार्ज और यू वांट टू जस्ट डू इट एट अ स्मॉल स्केल? आपका विजन क्या है, मतलब कहाँ देखते हो अपने आप को 5 साल में? प्लान तो पूरा इंडिया को हेल्दी बनाना, इंडिया को कवर करने का है। अब देखो, अब इसको आराम से समझते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है अपने को। प्रॉब्लम क्या है पहले देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी वो ये है कि पिछले 1.5 साल का आपको एक्सपीरियंस है। 1.5 या 2 साल, कितना साल एक्सपीरियंस? तो अगर आप बोले तो मैं 8 साल से इस सब को लेके सोचता हूँ, ये सब घर में खुद के ऊपर ट्राई करता हूँ। जो कुकिंग है मतलब प्रॉपर प्रोफेशनली जो आप कर रहे हो, 1 साल मान लेते हैं। 1 साल मान लेते हैं, हाँ ठीक है। तो 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई बहुत बड़ी। और वहाँ पे भी आपने अब क्या किया है, शुरू में जो कंप्लेंट्स आई थी उन सबको आपने हैंडल कर लिया है। अब वहाँ से कंप्लेंट्स भी नहीं आ रही है, रेगुलरली आप सप्लाई कर रहे हो, रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं उन्हीं से। इसका मतलब क्वालिटी मेंटेन हो रही है। प्लस आपने कॉस्ट मॉडल को भी क्रैक कर लिया है कि कम से कम कॉस्ट में आप कैसे बना पा रहे हो, क्योंकि आप बता रहे हो ऑलरेडी सस्ता बिकता है। ये जो हेल्दी मील बनाने का जो मैंने सोचा है, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा कॉस्टिंग का? आई नो, हाँ। तो उसमें क्या होता था, जो मोमो बनाने का होता था उसमें भी मेरा कॉस्ट हर रोज़ फ्लक्चुएट करता था, तो जितना रुपए का बनता है उतना ही वो लोग पे करते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभी ऑनियन का दाम कम जाता है, बढ़ जाता है, उस हिसाब से वो फ्लक्चुएट होता था। तो आपका जो अभी करंट बिजनेस मॉडल है उसमें आप क्या कर रहे हो, इट्स अ B2B बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें आप कुछ लोगों को सप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे तो ये मॉडल प्रैक्टिकल है। बट द मोमेंट यू गो इन B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, वहाँ पे ये मॉडल इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि डेली अगर आप ऐसे फ्लक्चुएट करने लग जाओगे तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसमें क्या तरीका होता है, उसमें पहले अपने मार्जिन ज़्यादा रख करके चल सकते हो। सो अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि जब मैंने आपका बिजनेस मॉडल देखा, आपकी वीडियो देखी, तो उसके बाद आई थॉट अबाउट समथिंग। इसका जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसका नाम मैंने कुछ सोचा, दैट कुड बी स्मार्ट मील। स्मार्ट मील तो कॉन्सेप्ट हो सकता है स्मार्ट मील, प्लस आप कह रहे हो कि आपका दिल्ली में भी कुछ लोग हैं जान पहचान वाले, है ना, कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप इसको दिल्ली से शुरू कर सकते हो, दिल्ली से या गुड़गांव से, या बैंगलोर में भी कोई है आपके, बैंगलोर या बॉम्बे में? नहीं, बैंगलोर बॉम्बे में कोई नहीं है, ठीक है। तो आप इसको दिल्ली से शुरू कर सकते हो। ये जो 3-4 मेट्रो सिटीज़ है ना, यहाँ पे इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा। देखो 2 तरह की मार्केट्स होती हैं, एक वो जहाँ पर कि आप एक नीड को क्रिएट कर रहे हो, दैट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उन लोगों को पहले तो एजुकेट करना पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उनका एक पैटर्न बना हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जो लोग हैं उनकी मैंटालिटी है प्राइस कॉन्शियस, थोड़ा सा भी प्राइस आपने ज़्यादा रखा तो वहाँ पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, आपका बिजनेस मॉडल हिल जाएगा। कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट को सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेल हो चुका है। मतलब दे हैव ऑलरेडी बॉट दिस आइडिया कि हाँ हमको हेल्दी खाना चाहिए, आपको नीड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, नीड ऑलरेडी है। अब देखना यह है कि हम कैसे उस नीड को कैटर करें। आपके इसमें 2 तरह का बिजनेस मॉडल हो सकता है, एक ये कि आपने कहीं पे एक आउटलेट खोल दिया और वहाँ पे लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं, बट उसको हम एक बार को हटा देते हैं, वैसा तो नहीं है ना, वैसा तो है नहीं। अगर आप कहीं रिटेल वाली जगह पे खोलते हो रेंट बहुत ज़्यादा होता है, दिल्ली जैसी जगह पे 2-2 लाख 4-4 लाख रुपये महीना तो रेंट होगा, तो उसको करोगे कैसे? तो इससे बेटर ये है कोई ऐसे एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, यानी वहाँ पर रेंट ज़्यादा नहीं है, मानो आपको 5-10 हज़ार रुपये में भी जगह मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने तो आना ही नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ आपने प्रिपरेशन करना है, तो वहाँ पे बहुत सस्ते रेंट में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेंज है वो है 4 से 5 लाख रुपए, उसके अंदर करना है। सो अब क्या इसमें जो स्ट्रैटेजी हो सकती है वो क्या हो सकती है? एक ये है कि हमने इस तरीके से अपना एक सेटअप किया और वहाँ पे हमने क्या किया, फूड डिलीवरी ऐप्स हैं बहुत सारी, उसके बारे में आपको पता होगा। जितना हो सके हम जितना काम को आउटसोर्स कर सके उतना बेटर है, उतना आपको टीम कम चाहिए, क्योंकि अगर इन फूड डिलीवरी ऐप से अगर आपने टाइप किया तो अब आपको अपना इन हाउस कोई एक बंदा भी रखने की ज़रूरत नहीं है डिलीवरी के लिए, यू डोंट नीड इवन अ सिंगल पर्सन। दूसरा चैलेंज क्या आएगा, अगर आप खुद उनको एजुकेट करेंगे कि आप ये लो, आपके लिए अच्छा है नहीं है। तो एक है उनको एजुकेट करना, उनसे फॉलोअप करना, उनको वहाँ पे टिका करके रखना, एक है खाने की सप्लाई करना। ये दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग। आप समझ गए मेरी बात। प्लस अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप डाइटिशियन से और जो न्यूट्रिशनिस्ट एक्चुअल में हैं, जो ऐसा काम कर रही हैं या कर रहे हैं, उनसे आप कॉम्पीट कर रहे हो। क्योंकि आप ये कह रहे हो कि अब आपको न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आइए, वी विल टेक केयर ऑफ इट, आपका वो पैसा बच जाएगा। दिस इज वॉट यू आर प्लानिंग। अब इस बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, अगर आप ध्यान से समझ पाओगे तो। इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि आप डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से, एक तो इमीडिएटली आप उनके एंटी हो जाओगे, क्योंकि ये जो बंदे होंगे ये बहुत ही लिमिटेड होंगे। हर कोई इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होगा हेल्थ को लेकर के। सबसे पहले प्रायोरिटी में इंडिया में अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिकली लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, सबसे ऊपर आता है पैसा, उसके बाद में बाकी सब चीज़ें बंदा सोचना शुरू करता है। या ये कह लो वो लोग जो पैसे से ऊपर उठ चुके हैं वो हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो वो टारगेट सेगमेंट बिल्कुल ही अलग है। अब अगर वहाँ पे आप उनको कहते हैं कि यार आप डाइटिशियन के पास मत जाओ, न्यूट्रिशनिस्ट के पास मत जाओ, आप हमसे ही ले लो, तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। वो सबसे पहले कहेंगे अच्छा आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि एक न्यूट्रिशनिस्ट है वो तो कहेगी कि मैंने 4 साल की डिग्री ली हुई है या 1 साल का डिप्लोमा लिया हुआ है। वो कहेंगे आपका क्या बैकग्राउंड है। प्लस वहाँ पर वो जाती हैं वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे और 1-1 घंटा लगाते हैं उनके साथ में। क्या हम भी ऐसा कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग। तो हम वहाँ पे ऑर्डर तो पकड़ लेंगे किसी तरीके से, पहले तो ऑर्डर पकड़ना चैलेंज है, उसके बाद उसको सस्टेन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा बिजनेस मॉडल कामयाब नहीं हो सकता, वो बिजनेस मॉडल फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिजनेस मॉडल इसमें बन सकता है जिसमें एफर्ट कम से कम हो, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो। काफ़ी हद तक ये बिजनेस मॉडल उससे मिलता जुलता है जो आप ऑलरेडी अभी कर रहे हो। अभी आपने क्या किया है, आपने कुछ वेंडर्स से टाइप कर लिया है कि वो जो मोमोज सेल करते हैं उनसे आपने टाइप कर लिया और उनको आप सप्लाई कर रहे हो, तो उनका बनाने का हेडेक बच गया, उनको सिर्फ बेचना है। तो एक तरह से क्या हुआ, एक पार्टनरशिप हो गई। उन लोगों का प्रॉफिट भी नहीं घटा, उनको उतने ही कॉस्ट में उनका काम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पार्टनरशिप हो गई। तो इसमें उनका भी फायदा है, आपका भी फायदा। इट्स अ विन विन सिचुएशन। ऐसा नहीं आपका फायदा है उनका नुकसान है। तो ऐसा ही सेम बिजनेस मॉडल हम न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बना सकते हैं, डाइटिशियंस के साथ बना सकते हैं। एक है कि हम एक नई मार्केट क्रिएट करें और उनको बोले कि आपको इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, डाइटिशियंस के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, और हम आपको सब कुछ करके देंगे। वो हो गई एक ऐसी दुकान जो और सब दुकानों से कॉम्पीट कर रही है। एक बिजनेस मॉडल हो गया जिसमें ऑलरेडी हजारों न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, मतलब मैंने जो समझा है अभी, हाँ, तो आप बोलना चाह रहे हैं कि जो जो न्यूट्रिशन ऑलरेडी है उनके अंडर में जो जो क्लाइंट है, हाँ, न्यूट्रिशन के साथ हम लोग टाइप करके उन क्लाइंट को दे, उन क्लाइंट्स को सप्लाई कर दें। अच्छा, क्योंकि अब वहाँ पे आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखो, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मान लो, ठीक है, मेरे पास में 100, 200, 300 क्लाइंट्स हैं मिनिमम। आप एवरेज पकड़ोगे तो हर न्यूट्रिशनिस्ट के पास ऑन एन एवरेज मरे से मरा 100 क्लाइंट तो है, तभी वो टिकी हुई है। क्योंकि जहाँ से वो ऑपरेट कर रही है वहाँ पे जगह भी है, उसका रेंट भी है, ये भी है, वो भी है। मिनिमम 100 क्लाइंट है जिनसे वो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो महीने का 2000 का ले रहे हैं, एवरेज ये रेट चलता है। तो 2 लाख रुपये महीना का उनके पास में आ रहा है। उनके जो खर्चे हैं और हैं वो सब निकाल करके मान लो 1 लाख रुपये खर्चा निकल गया, 1 लाख रुपये वो महीने का कमा रहे हैं। अब क्या उनका भी कोई पेन एरिया है जिसको हम आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर सके? जैसे आपने वहाँ पे जो किया आसाम में, कि जो मोमोज सेल कर रहे थे उनका पेन एरिया क्या था, कि बनाने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, फिर अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं बचता है। तो उनकी पूरी लाइफ तो उसी में निकल गई। और अगर उस टाइम में वो दूसरा आइटम भी बना सकते हैं, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, और कोई नया काम कर सकते हैं पार्ट टाइम बेसिस पे। ऐसे ही ये जो न्यूट्रिशनिस्ट है, अगर मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मेरे को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। वो क्या है कि अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट बन करके हम सोचें, मेरे पास में 200 क्लाइंट तो हैं, मैं उनको बोल तो दूंगा कि आप ये करो, ये करो, ये आपका डाइट चार्ट है अगले 1 हफ्ते का, आपको इसको फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है। बट उसको प्रैक्टिकली फॉलो करने के लिए जो खाना बनाना है वो तो उन्हीं लोगों को बनाना है ना। अब उनको अपने लिए बनाना पड़ेगा, उनके हस्बैंड के लिए अलग बनेगा। हस्बैंड कहेगा यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है वेट लॉस करने में, मेरे को क्यों जबरदस्ती है बेकार का खाना खिला रहे हो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया ना। अब उनको अपने लिए कुक करना पड़ेगा। और एक मजे की बात क्या है, प्रैक्टिकल जो फैक्ट है वो क्या है कि आज की डेट में सब आलसी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए मशीन है। वॉशिंग मशीन है, ये मशीन है, वो मशीन, हर चीज़ के लिए मशीन है, इसके लिए कोई मशीन नहीं है। अब वो कुक कैसे खुद करें? अब या तो उनके घर में कोई कुक हो जिससे वो कुक करवाएं, वहाँ पे भी उनको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले न्यूट्रिशनिस्ट से समझना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी चैलेंज आ गया, उसको बैठ करके डिटेल में समझाना पड़ेगा। अब आप इतना ये चावल डालो, इतना ये वेजिटेबल्स डालो, इतना ये, इतना वो, तो उसके लिए भी सरदर्दी होगी न्यूट्रिशनिस्ट के लिए। अब अगर न्यूट्रिशनिस्ट खुद उनको खाना बना के सप्लाई करती है तो ये उसकी एक्सपर्टीज है ही नहीं, प्लस वो खुद बनाना उनके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब 2-4-5 दिन तो बना सकते हैं, बट रेगुलरली उसको फॉलो करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे पेन एरिया हमको साफ नजर आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ ही देंगे। जब वो छोड़ देंगी उस न्यूट्रिशनिस्ट को, तो उस न्यूट्रिशनिस्ट का भी नुकसान है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट का फायदा किसमें है कि जब अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसको रिजल्ट दिखे, 6 महीने भी छोड़ो, 3 महीने में रिजल्ट दिखे, तभी तो वो दिखेगी उसके पास, तभी और कस्टमर्स उसके पास आएंगे न्यूट्रिशनिस्ट के पास, वर्ड ऑफ माउथ तभी तो स्प्रेड होगा। तो न्यूट्रिशनिस्ट का फायदा इसमें है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के लिए अकेली न्यूट्रिशनिस्ट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें 90% जो रोल है वो डाइट का है। अब डाइट में ये जो जिसके ऊपर काम चल रहा है, ये इतना पेन लेने को तैयार नहीं है। ये खा तो लेगी, मेंटेन तो कर लेगी, लेकिन उसको कहा जाए आपको कुक भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इन लोगों के पास पैसा है तभी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आ नहीं पाता है प्रैक्टिकली, बहुत कम केसेस में आ पाता है, 10 में से 1 केस में आ पाता है। तो हमारा चैलेंज ये है कि कैसे वो 10 में से 10 केसेस में आ जाए। तो अब आपने क्या किया, आपने उनके साथ में पार्टनरशिप कर ली। अब आप सीधा इन न्यूट्रिशनिस्ट के पास में गए। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, अपनी छोटी सी किचन सेटअप करी। आपको और कुछ नहीं चाहिए, यू डोंट नीड अ रेस्टोरेंट, यू डोंट नीड अ कैफे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको वेटर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। बट यहाँ पर आपने क्या किया, एक छोटी सी किचन सेटअप करी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे रेंट कम से कम है। वहाँ पे आपने अपना एक बेसिक सा मेन्यू बनाया, एंड दैट कुड बी वीगन, बिकॉज लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, लॉट ऑफ दीज सेलिब्रिटीज नाउ दे आर ऑल टॉकिंग वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब, दे आर टॉकिंग अबाउट वीगन। वीगन इन द सेंस कि जिसमें ना कोई मिल्क प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, ना कोई नॉनवेज आइटम्स यूज होती हैं। अच्छा, क्योंकि जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं ज़्यादातर क्या है, दे आर थिंकिंग अबाउट लूजिंग वेट, और आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड वाइड। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस नहीं रहेगा, लिमिटेड कुछ चीज़ें होंगी, 10-12 चीज़ें, उसी को मिला के आप 50 चीज़ों की वैरायटी बना सकते हो। अगर आपको 100 आइटम्स रखनी है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जितनी कम आइटम्स हो उतना बेटर है। मतलब टारगेट क्या होना चाहिए कि सिर्फ 10 आइटम्स के अंदर अंदर इन्हीं 10 चीज़ों को मिला करके हमने 50 आइटम बना दी, तो एक तरह से वैरायटी दिख रही है, लेकिन इन्हीं 10 के ऊपर ऊपर चल रही है। तो 10 की हमको सप्लाई देखनी है, पीछे से 10 का ही स्टोरेज देखना है, उसी को हमको मेंटेन करना है। मतलब कम से कम इन्वेंट्री में हमको काम करना है, और ये एक आपकी स्ट्रेंथ भी हो गई औरों के कंपैरिजन में, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट वीगन दीज डेज। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं। उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने से पहले, क्योंकि जाने से पहले कुछ होना चाहिए, एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई। वहाँ पे आपने बताया कि व्हाट दिस स्मार्ट मील इज ऑल अबाउट, ये क्या है। उसके लिए आपको कस्टमाइज कहीं से बनवाने की जरूरत नहीं है, गोडैडी है, ये है, वो है, इस तरह के वो होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, वहाँ से आपकी वेबसाइट बन जाएगी, 2 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, वो आप खुद ही कर सकते हो। तो बेसिक सी वेबसाइट बन गई, अपना एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बन गया, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग देयर तो इट मस्ट क्रिएट एन इम्प्रेशन कि आप एक अच्छे लेवल पे कर रहे हो। इसमें अगर आपके साथ में कोई ऐसी फीमेल हो, क्योंकि ज़्यादातर जो ये डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सब फीमेल्स हैं, कोई ऐसी फीमेल हो जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो, जिसको थोड़ा बहुत डाइट की, न्यूट्रिशन की भी नॉलेज हो, तो उसको भी आप अपने साथ में शुरू में रख सकते हो इसके अंदर। मतलब ये मैं सोचा है हाँ ठीक है, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग देयर तो साथ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो जब जाए उनसे, न्यूट्रिशनिस्ट से मिले, तो एक रेपो बिल्डअप हो जाना चाहिए, उनको लगे कि हाँ ये तो काफ़ी हद तक हमारी लैंग्वेज समझती है। तो आपने क्या किया, अपना एक किचन एस्टैब्लिश करी, इन डिलीवरी ऐप्स के थ्रू अपना काम शुरू कर दिया। आप ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हो, जैसे ही आप यहाँ पर लिस्ट हो जाओगे काम तो आपका अगले दिन से ही शुरू हो जाएगा। वहाँ से आपने एक्सपीरियंस ले लिया। मतलब इस बिज़नेस का पहला स्टेज क्या हुआ, कम से कम 3 महीने तक आपने सिर्फ इन डिलीवरी ऐप्स के थ्रू काम किया। अब 3 महीने बाद आपने या तो एक फीमेल को रिक्रूट किया, या अगर कोई आपकी फ्रेंड है या रिलेशन में है उनको आपने इन्वॉल्व किया इसके अंदर। अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, अभी टीम कम से कम रखो, अभी तो आप अकेले ही काफ़ी हो, और साथ में 2-3 लोग जो खाना बना लें बस, तो खर्चे हमारे कम से कम रहेंगे। तो यहाँ से आपकी इनकम तो शुरू हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट फेज़ में, यानी 3 महीने बाद एक फ़ीमेल आपके पास में आ गई है, जैसे मैंने बोला इनकी इंग्लिश अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, प्लस वो उनको डाइट की, न्यूट्रिशन की, इन सब चीज़ों की नॉलेज है। अब वो जा रही हैं और उनके साथ में आप भी जा रहे हो, और इन सारे न्यूट्रिशनिस्ट से अब आप मिल रहे हो, बिकॉज नाउ यू आर नॉट अ न्यू कमर। अभी चले जाओगे तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जो डाइटिशियंस है, न्यूट्रिशन, वो सबसे पहले पूछेंगे आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप क्या कहोगे, हमारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस मॉडल है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस ऐप के ऊपर, आप देख सकते हो ये हमारा पूरा का पूरा स्टोर है, एंड वी हैव गॉट एक्सपीरियंस इन दिस, वी हैव गॉट अमेजिंग रिव्यूज़, आप हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं। अब आप उनको बता रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। उसके लिए आप एक छोटी सी प्रेजेंटेशन अपनी तैयार कर सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में पता लग रहा हो कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज हैं, कितना कार्ब्स है, कितना फैट है, फैट में से कितना सैचुरेटेड है, कितना पूफा है, कितना मूफा है, कितना फाइबर है। अब पॉइंट आता है कि वो आपके साथ में क्यों जुड़ेंगी, वो आपको बिजनेस क्यों देंगी। सबसे बड़ा रीज़न वो इसलिए करेंगी बिकॉज आप उनको ये कह रहे हो कि अब आपके थ्रू हमारे पास कोई भी रिकमेंडेशन आता है। कैसे पता लगेगा हमको? उनका नाम और नंबर से हमको पता लग जाएगा। ऐप भी सारा नाम और नंबर के बेस पे ही होता है। तो उसके थ्रू जितने भी ऑर्डर्स आएंगे पूरी लाइफ में, उन पे सब पे 20% आपको मिलेगा, 20% न्यूट्रिशनिस्ट को मिलेगा। तो क्या हो रहा है, एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 100 क्लाइंट्स हैं, उसने 100 को बताया, उसमें से मानो 20 ही कन्विंस हुए, 80 ने क्या कहा, नहीं हमारा तो इन हाउस ही घर में शेफ है, हम उससे बना लेंगे, हम खुद बना लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। 20 कन्विंस हो गए, 20 ने कहा यार हमको कन्वीनियंस चाहिए, हमको हेडेक नहीं चाहिए, हम खुद नहीं बनाना चाहते, आप बता दो क्या करना है। आपने क्या किया, उनको पैम्फलेट दे दिया न्यूट्रिशनिस्ट को, वो पहले से ही प्रिंट करा लिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि आपका ये वीक है, उसमें इस दिन मानो मंडे के दिन ये 3 चीज़ें आपके लिए हैं, ये ब्रेकफास्ट में उसको सिर्फ टिक करना है। उस पैम्फलेट पे उसने उसका नाम लिखा, जो भी उसका जो क्लाइंट है, न्यूट्रिशनिस्ट का जो क्लाइंट है, उसने उसका नाम लिखा और टिक कर दिया कि मंडे के दिन ब्रेकफास्ट में आपको ये ऑर्डर करना है, लंच में ये करना है, डिनर में ये करना है। ऑर्डर करने में 1 मिनट लगता है, और एक बार उसने ऑर्डर कर दिया वहाँ से तो अगली बार उसको वापस से सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, रिपीट ऑर्डर होता है। वो एक क्लिक किया, रिपीट ऑर्डर हो गया। अब 20 मिनट में उनके घर पहुँच जाएगा, 20-25 मिनट मैक्सिमम आधा घंटे में। तो इसमें कुछ भी हैसल नहीं है ना क्लाइंट के लिए, क्योंकि देखा जाए तो 2 सेकेंड ही लगे ना ऑर्डर करने में, खुद बनाने बैठ जाओ तो 1 घंटा लग गया, काटना, ये करना, वो करना। तो ये काम उनका 2 सेकेंड में हो गया, मतलब एक क्लिक के ऊपर हो गया। और उन्होंने पहले से उनको बता दिया है कि ये आपका वीक का प्लान है कि मंडे के दिन आपको ये 3 चीज़ें आप यहाँ से ऑर्डर करो, ट्यूसडे के दिन ये, और पूरी वेराइटी है। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास 21 चीज़ें भी हैं तो बहुत है, क्योंकि मेन क्या है कि पूरे हफ्ते में, नहीं तो बोरिंग हो जाता है। हर हफ्ते में डेली 3 मील अलग अलग होनी चाहिए। तो मान लो ब्रेकफास्ट में 7 तरह की वैरायटी, आप ऐसे ही डिज़ाइन कर सकते हो अपनी मील को, है ना। ब्रेकफास्ट में 7 तरह की, लंच में 7 तरह की वैरायटी, और डिनर में 7 तरह की वैरायटी। तो टोटल आप 21 चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, लेकिन अच्छे से कर रहे हो। आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं वहाँ पे और वो सब है, जिस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उससे देख करके बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि कोई बहुत ही नॉलेजेबल ये कंपनी है जो इस काम को कर रही है। ये जो स्मार्ट मील है उसके पीछे जो लोग बैठे हैं, उनका पैशन है कि वो एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि इसमें इतना ग्राम हम ये वाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल डालने वाले हैं, इतना ये, इतना ये, इतना ये, हर एक चीज़ को मेजर, कैलोरी आ गया, इतना कैलोरी आया, इतना प्रोटीन आया, इतना कार्ब आया, इतना ये आया, इतना ये आया, वो पूरा उसमें पूरा आपने मेंशन कर रखा है। तभी उनको भी मजा आएगा, न्यूट्रिशनिस्ट को भी, तभी उनके क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। वहीं पर सब कुछ दिख रहा है। वो जो क्लाइंट है उसने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया इन ऐप्स के थ्रू आपके पास में, तो आपको इमीडिएटली पता लग गया, उसका नाम नंबर तो आता ही आता है, तो वो आपने वहाँ से मैच कर लिया। जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनका सिर्फ इतना सा काम है, वो आपको बता देंगे कि मैंने इन लोगों को रेफर किया है। तो न्यूट्रिशनिस्ट को इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, अगर हम ध्यान से समझेंगे, अगर 20% उसको मिला, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में क्या है, आप प्राइस में मत कॉम्प्रोमाइज़ करो, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन प्राइस कि मेरे को सस्ता देना है। ये जो मार्केट है ये सस्ते वालों की नहीं है, जिस तरह का हम काम करने का सोच रहे हैं। ये मार्केट क्या है, उन लोगों की है जिनके लिए प्राइस इतना मैटर नहीं करता है, जिनके लिए कन्वीनियंस मैटर करती है। तो जहाँ कन्वीनियंस आ जाता है वहाँ थोड़ा मार्जिन ज़्यादा भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने 20% मार्जिन अगर इनको दिया और 100 में से मानो 20 ही क्लाइंट इसके लिए एग्री होते हैं, और 20 क्लाइंट दिन के 2 ही मील मंगाते हैं, वैसे तो आइडियली 3 मंगाने चाहिए, बट मैं ये भी मान के चल रहा हूँ सैटरडे संडे हो सकता है बाहर चले गए, उन्होंने नहीं मंगाया, बट मान लेता हूँ चलो 20 दिन ही मंगाया और दिन की 2 ही मील्स मंगाई। एक मील ऑन एन एवरेज 250 रुपये की है, तो एक दिन का 500 रुपये हो गया, इंटू 20 हमने किया 10,000 रुपये हो गया, जो एक क्लाइंट से हमारे पास में आ रहा है। तो अगर उनके पास में 100 क्लाइंट है उसमें से 20 ही आए हमारे पास में, तो कितना बिजनेस हो गया, एक से आ रहा है 10,000 रुपये महीना, 20 से हो गया 2 लाख रुपये महीना। ये आया हमारे पास एक न्यूट्रिशनिस्ट। ऐसी हज़ारों न्यूट्रिशनिस्ट हैं दिल्ली एनसीआर में, इंडिया में देखोगे तो पता नहीं कितनी है। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास में आया 2 लाख रुपये, और 2 लाख में से 20% हमने उनको दे दिया, यानी उनको कितना मिला महीने का, 40,000। इस 40,000 रुपये के लिए उन्होंने क्या किया, क्लाइंट दिया, कुछ भी नहीं, बस क्लाइंट दिया आपको। रॉयल्टी इनकम हो गई उनकी एक तरीके से, जैसे इंश्योरेंस एजेंट नहीं होते हैं कि एक बार इंश्योरेंस करा दी 20 साल तक उनको पैसा मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है, दिस इज मोर लाइक रॉयल्टी इनकम। और ये लोग जो ऑर्डर करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने लिए ही करें, हो सकता है अपने फैमिली के लिए भी करें, उसी अकाउंट से जब वो फीमेल करेगी तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अपने लिए करेगी, अगर कोई और आइटम उसको पसंद आई तो हो सकता है अपने हस्बैंड के लिए भी करे, जो हस्बैंड न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जा रहा है लेकिन ये ऑर्डर कर रही है, अपने बच्चों के लिए भी करे, इसका भी पैसा उसको मिल रहा है और पूरी लाइफ के लिए मिल रहा है। तो आपने इतना अट्रैक्टिव एक बिजनेस मॉडल उसको दे दिया न्यूट्रिशनिस्ट को कि वो ना नहीं कर सकता। कंपटीशन भी खत्म हो गया, कंपटीशन जीरो हो गया, प्लस आपको पार्टनर्स मिल गई, अब आपको सिर्फ इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। सो इस तरह से अगर हम बिजनेस मॉडल बनाते हैं तो आप मानो कि अगर एक डाइटिशियन से या एक न्यूट्रिशनिस्ट से हमारे पास महीने का 2 लाख का बिजनेस आया, तो अगर आपने 5 भी पकड़े तो महीने का 10 लाख का बिजनेस आ गया, उसमें से 2 लाख तो इनका हो गया। और देखा जाए तो ये छोटा अमाउंट नहीं मिल रहा है इनको, अगर महीने का 40,000 मिल रहा है तो साल का कितना हो गया, 4,80,000 हो गया। तो दिस इज़ अ बिग इनफ अमाउंट। शुरू में तो वो जल्दी से कन्विंस नहीं होंगी, कोई भी डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, थोड़ा टाइम लेगी सोचने में भी, पर जैसे ही उनको पहला चेक आएगा 40-50,000 रुपये का, उसके बाद अपने आप ही आप देखोगे 20 से बढ़ के 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि उनको भी तो दिख रहा होगा कि अगर मैंने 20 का 40 किया तो मेरा 80,000 रुपये महीना हो जाएगा। उसका भी दिमाग चलेगा कि इतना करके, इतना एफर्ट करके मैं महीने का लाख रुपए कमा रही हूँ, यहाँ पे बिना कुछ करे मेरे पास महीने का लाख रुपए आ रहा है, तब वो एफर्ट देगा मेरे क्लाइंट लाने में। हाँ, और इसमें कहीं पर भी कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं हो रही है, आपकी सिर्फ एक किचन बनी हुई है, जहाँ से जो किचन का आपका बेसिक खर्चा है वो तो इन ऐप्स के थ्रू ही निकल जाएगा, यहाँ से आप कमा सकते।